मंत्री नितिन गडकरी की संकल्पना से साकार हुए खासदार महोत्सव अंतर्गत आने वाली क्रीड़ा महोत्सव की तारीखों का ऐलान और कॉफी टेबल बुक का विमोचन शनिवार को सुरेश भट्ट सभागृह में किया गया। इस दौरान प्रमुख उपस्थिति के रूप में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, भारतीय हॉकी के पूर्व कप्तान, साथ ही हिंदी फिल्म सुरमा जिनकी जीवन पर बनाई गई है, ऐसे हरियाणा के खेल मंत्री संदीप सिंह और अर्जुन पुरस्कार विजेता अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन खिलाड़ी ज्वाला गुट्टा प्रमुख रूप से उपस्थित थे। शहर के सबसे चर्चित खासदार क्रीड़ा महोत्सव की तारीखों और कॉफी टेबल बुक का विमोचन शनिवार को सुरेश भट्ट सभागृह में किया गया। इस अवसर पर बात करते हुए अर्जुन अवार्ड विजेता ज्वाला गुट्टा ने कहा कि जितना प्यार खासदार क्रीड़ा महोत्सव के माध्यम से खेल को दिया जा रहा है उसे देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। वहीं उन्होंने इस दौरान खासदार क्रीड़ा महोत्सव को बहुत सारी शुभकामनाएं दी। थोड़ा हिंदी भी बोलूँगी मैं। इट इज़ बहुत अच्छा लगता है जब यू नो वी हैव दिस बिग गेम्स फेस्टिवल्स जब होते हैं स्पोर्ट्स के, यू नो आई थिंक इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट कि हर एक सिटी और हर एक स्टेट में ये होना चाहिए। इट शोज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स, इट शोज़ हाउ मेनी पीपल कि कितना एंथुसियाज्म से वो स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करते हैं। एंड आई वांट टू कंग्रेचुलेट नितिन सर फॉर ऑर्गेनाइजिंग दिस। आई बिलीव ये चौथा एडिशन है यहाँ का एंड आई होप कि ये एक ग्रेट सक्सेस हो फ्यूचर में। एंड आई होप वी गेट चैम्पियंस फ्रॉम दिस सिटी नागपुर। मैं नागपुर में मेरे फर्स्ट 4 years मैं यहाँ रही हूँ, सो आई हैव फॉन्ड मेमोरीज ऑफ नागपुर। मराठी थोड़ा आता था, भूल गई हूँ मैं अभी, बट आई एम रियली ग्लैड टू बी हियर एंड इट्स ग्रेट टू सी द एंथुसियाज्म विद विच एवरीबडी इज पार्टिसिपेटिंग इन दीज गेम्स। आई विश ऑल द पार्टिसिपेंट्स गुड लक एंड आई होप आप ये गेम्स को इंजॉय करें एंड हैव ग्रेट मेमोरीज। Thank you for having me. वही इस दरमियान बात करते हुए पूर्व हॉकी कप्तान संदीप सिंह ने कहा कि अगर ऐसी खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन हर शहर में होते रहे तो ओलंपिक में हमें 7 से 70 मेडल लाने में देर नहीं लगेगी। नितिन जी, ज्वाला गुट्टा जी, मंच पर बैठे सभी अतिथिगण, सभी स्पोर्ट्समैन, कोचिज, नागपुर के निवासी, मीडिया भाई बंधुओं, बहुत बहुत मैं आपका तहदिल से धन्यवाद करता हूं कि नितिन सर ने मुझे आज इस प्रोग्राम में शामिल किया। मैं पहली बार नागपुर आया हूं। अभी कुछ समय पहले मीडिया के साथ थोड़ा वार्तालाप कर रहा था तो वहां पर बात चल रही थी खिलाड़ियों की, कुछ गेम्स की, तो ज्वाला जी 2010 की कॉमनवेल्थ गेम्स की बात कर रही थी, तो मैं भी कॉमनवेल्थ गेम्स और ज्वाला जी ने, हम दोनों ने एक साथ वो खेली, तो वो समय हम काफ़ी बात कर रहे थे, तो उस समय बात चली हरियाणा की। हरियाणा आज की डेट में मैं ये कह सकता हूँ कि स्पोर्ट्स फैक्ट्री है, लेकिन स्पोर्ट्स फैक्ट्री के साथ कई उन्होंने रिकॉर्ड बनाया। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने इस दरमियान बात करते हुए कहा कि इस क्रीड़ा महोत्सव में हजारों खिलाड़ी भाग लेते हैं। वहीं इस महोत्सव में आइकॉनिक खिलाड़ियों को बुलाने की वजह यही है कि युवा उन्हें देखकर उनके जैसा बने। उन्होंने आगे बताया कि शहर में खेल को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 330 मैदान बनाए गए हैं और जिनका निर्माण अब तक नहीं हुआ है उनका मैं दौरा करने वाला हूँ। बैडमिंटन में जिन्होंने हमारे देश को बहुत मेडल्स जिता कर दिए, ऐसी ज्वाला जी और जो हमारी नागपुर की है, माउंट कार्मेल में पड़ी है, सेवाग्राम में उनका जन्म हुआ है, वर्धा में और सावरकर नगर में रहती थी, ऐसी खिलाड़ी है और जिन्होंने देश और दुनिया में बहुत अच्छा काम किया। संदीप सिंह जी ने हॉकी में हमारे लिए बहुत रिकॉर्ड बनाया है। खासदार क्रीड़ा महोत्सव ये ऐसी इवेंट है कि जिसमें हजारों खिलाड़ी उत्साह के साथ भाग लेते हैं और हम ये कोशिश करते हैं कि इन खिलाड़ियों को प्रेरणा देने के लिए जो आइकॉनिक प्लेयर्स हैं
जिनके आने से अच्छी प्रेरणा ये भविष्य के खिलाड़ियों को मिले, इसी के लिए उनको बुलाते हैं आप सबके सामने, ताकि आप उनके जैसे बनने की कोशिश करें। हमारे यहां कोई व्यक्ति बड़ा नहीं होता, नो वन इज परफेक्ट एंड नो वन कैन क्लेम दैट ही इज परफेक्ट, उत्तम अधिक उत्तम सर्वोत्तम अप टू इन्फिनिटी। बता दें कि शहर में क्रीड़ा महोत्सव का आगाज 2 जनवरी से होने जा रहा है, जो 16 जनवरी तक चलेगा। कैमरा पर्सन माइकल के साथ दिशा हटवार, PCN न्यूज़, नागपुर।